नमस्कार, मी आशा। आपण पाहत आहात डिस्कवरी न्यूज। द डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी। कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र 142 में नमो चषक 2024 के तहत कुश्ती और कबड्डी मैच का आयोजन विधायक गणपत गायकवाड़ और भारतीय जनता युवा मोर्चा कल्याण जिला अध्यक्ष वैभव गणपत गायकवाड़ द्वारा नांदिवली कोलीवाड़ा में किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री चव्हाण ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। कुश्ती लंबे समय तक एक मर्दा खेल चल रहा है। इस खेल में पारी, चपलता और निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। इस खेल में कई रणनीतियां हैं। कालान जंग, धांग, मोली, निजल, आंतरिक और बाहरी पैर, सिंगल पैड, डबल पैड, गड़ा लोग, इच्छक, धोबी प्रसाद, इन कुश्ती मुकाबलों के अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण, कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष वरुण पाटिल, कल्याण जिला अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी, भाजपा पदाधिकारी भगवान म्हात्रे, कल्याण डोंबिवली क्षेत्र कुस्तीगीर संस्था के अध्यक्ष पंढरीनाथ ढोणे और अन्य गणमान्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। द ब्यूरो रिपोर्ट, डिस्कवरी टीवी न्यूज। या भागातील लोकप्रिय असे आमदार आदरणीय गणपत शेठ गायकवाड यांच्या नेतृत्वामध्ये गेली अनेक वर्ष या मैदानावरती कबड्डीचे सामने भरवले जातात। महाराष्ट्रामध्ये आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजींनी सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नमो चषक हा सर्व ठिकाणी साजरा करावा, वेगवेगळ्या खेळांच्या माध्यमातून युवकांना त्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीची संधी देण्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला सर्वांना सूचित केलं। गणपत शेठ गायकवाडांनी या भागामध्ये हा नमोचषक जो सुरू केला आहे, मी त्यांचं मनोपूर्वक धन्यवाद देतो। खरं तर ते अनेक वर्ष देवेंद्रजींच्याच नावाने कधी CM चषक करायचे, त्यानंतर DCM चषक केला आणि आता नमोचषक करतायत। त्यामुळे देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये त्यांनी अनेक वर्ष या भागांमध्ये युवकांना विशेष करून सर्व क्षेत्रांमध्ये खेळाडू म्हणून त्यांना प्राधान्य मिळालं पाहिजे, त्यांना विविध संधी प्राप्त झाली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून या स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे। स्पर्धांचं आयोजन करत असताना पूर्ण त्या स्पर्धांमध्ये कुठेही कमतरता राहणार नाही। राष्ट्रीय स्तरांवरच्या असणाऱ्या स्पर्धा ज्या पद्धतीच्या असतात, त्याच पद्धतीचं काम किंवा त्याच पद्धतीच्या या स्पर्धा ह्या गेले अनेक वर्ष होत आहेत। मी त्यांना आणि सर्व खेळाडूंना या स्पर्धेच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। धन्यवाद। चषक का आयोजन किया हुआ है, यहाँ पे कबड्डी और कुश्ती, आने वाले समय में कैरम का रहेगा, बाद में बुद्धि बल का रहेगा, उसके बाद में खो खो रहेगा और भी खेल सारे होने वाले हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल का भी यहाँ पे आयोजन किया जाने वाला है। नमो चषक के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी के वो आगे जाने के लिए ये स्पोर्ट्स के कार्यक्रम किए जा रहे, जिस वजह से आज आप देखेंगे क्या युवा पीढ़ी और कोई चरस, गांजा, शराब के अधीन होके वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कोई खेल कूद में आने वाला जो बच्चा रहेगा, अच्छा खेलेगा या उसमें कुछ भी जो भी कड़ाई होती है काम, मतलब दिखाने के जैसा होता है वो दिखाएगा, लोग उसको जब मानते हैं, उसकी पहचान बनती है, तो वो बुरे काम में ध्यान देता नहीं, वो अच्छा काम करते रहता है। और मोदी साहब ने ये युवा के लिए जो नमो चषक देश भर में शुरू किया हुआ है, उसकी शुरुआत हम लोग ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की हुई है। सर, 13 तारीख को मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कहते हैं?
देखिए, कोई भी पार्टी का नेता जब आता है तो शहर का विकास होता है। कोई भी नेता आएगा तो उसके छोटे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं, वो कार्यकर्ता काम बताते हैं, कुछ कुछ जो गलतियाँ रहती है या कुछ काम होने जैसे होते हैं वो उनके सामने रखते हैं, और उसका जो जो भी काम करने का रहेगा तो वो नेता को बड़े अधिकारी को या सांसद या विधान भवन में उसकी मांग की जाती है, और वो विधान भवन में मांग करने के बाद ये सब काम होते हैं। मंत्रालय में मीटिंग होती है, सिंधे साहब आएंगे तो जब हम जैसे कार्यकर्ता अगर 50 बातें हम बताएंगे उनको, जो जो काम होने का बाकी है, जो काम जल्दी हो सकता है, ये विकास के काम उसमें हो जाएंगे। और इसलिए कोई भी पार्टी का बड़ा नेता आएगा तो उस शहर का विकास होता है। तर या होत्या डिस्कवरी टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्या संपर्क साधत असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता 9388420420। तर वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस, तोपर्यंत धन्यवाद।